students. Myself, Naresh Mata, chemistry faculty at the Bansal Classes, Jalgaon. And today we are discussing about the topic indicators. In the acid-base in salt chapter, we are discussing about indicators. Ke indicators kya hote hain, kitne type ke hote hain, unka kya role hai, wo hum sara aaj discuss karenge. Bachcho, jaise gaadi mein indicator hota hai, wo kya karta hai? Direction indicate karta hai aapko, hai na? So same like, agar koi chemical reaction ho rahi hai, to hume kaise pata chalega ki wo chemical reaction complete hua hai ya nahin hua hai, hai na? तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंट होते हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. और वो कैसे इंडिकेशन करते हैं? बाय चेंजिंग देयर स्मेल, बाय चेंजिंग देयर कलर. वो अपनी स्मेल या कलर को चेंज करके हमको ये बताते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है. मतलब हम जब इनमें ऐड करेंगे इंडिकेटर को तो वो अपना कलर चेंज करेंगे, और बाय चेंजिंग देयर कलर दे शोज दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट. तो हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस. मतलब अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर वो अलग 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 सब्सटेंस के लिए वो अलग अलग कलर शो करके क्या करते हैं? रिएक्शन कंप्लीशन का इंफॉर्मेशन देते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस. बच्चों, तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं. जनरली हम तीन टाइप के इंडिकेटर्स की बात करते हैं. जो फर्स्ट होते हैं, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर ऐसे नाम से ही लग रहा है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली. नेचुरली इसको प्रिपेयर किया जाता है. मतलब बहुत सारी सब्सटेंस ऐसे हैं जो नेचुरली इंडिकेटर का काम करते हैं. जैसे इसके अंदर आता है लिटमस एंड टर्मरिक. बच्चों, लिटमस जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और उसकी ब्लू एंड रेड स्ट्रिप भी होती है. पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है वो, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है. तो ये दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. अगर आपका सॉल्यूशन एसिड है बच्चों, तो हम उसके अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं, तो जो ब्लू लिटमस होता है वो चेंज हो जाता है रेड के अंदर. इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है. तो इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड. और अगर हम बेस की बात करें, अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें आपका जो रेड लिटमस है वो कैसा चेंज हो जाता है बच्चों? ब्लू चेंज हो जाता है. तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेस है. ठीक है, तो इन्हें बेस लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू द ब्लू. नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मरिक की. टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो होता है ना, येलो कलर की होती है टर्मरिक. जब आप उसको एसिड में डालोगे तो उसका एज यूजल येलो कलर ही रहेगा, लेकिन जब आप उसको बेस में ऐड कर देते हो बच्चों, तो उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन. ठीक है, रेड कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है. तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है. क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसका नेचर कैसा है. तो दैट वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर्स जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में सिंथेसाइज किया जाता है. ये दो टाइप के होते हैं. मिथाइल ऑरेंज आता है इसके अंदर. एग्जाम्पल्स के मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, है ना. अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें बच्चों, तो फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड सॉल्यूशन में, अगर आप एसिड सॉल्यूशन में बात करोगे फिनोफ्थलीन की 2-3 ड्रॉप्स को ऐड करोगे, तो ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन में बच्चों पिंक कलर शो करता है. ठीक है, सो इन फिनोफ्थलीन इज इन एसिडिक सॉल्यूशन इट इज कलरलेस, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट शोज द पिंक कलर. नेक्स्ट हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की. तो इसका नाम से लग रहा है मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, और एसिड भी जब आप ऐड करोगे तो ये रेडिश कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, वही ऑरेंज रेड. लेकिन बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर शो करता है. बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है, एंड इट शोज येलो कलर. तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर. और एक और जो इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. इनका यूज कम होता है क्योंकि इनसे हमको कंप्लीट पता नहीं चल पाता है कि जो सॉल्यूशन है वो हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि कंप्लीटली एसिडिक है या बेसिक. बिकॉज ये जो इंडिकेशन देते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर. मतलब उनकी ऑर्डर को चेंज करके ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. मतलब पहले उनकी कुछ और ऑर्डर होती है, जब एसिड या बेस सॉल्यूशन में हम उसको ऐड करते हैं तो उसकी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाती है. तो इसके अंदर आते हैं वेनिला एसेंस, क्लोव, वेनिला ऑयल, वेनिला एसेंस होता है, क्लोव ऑयल है ना. तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. और ये अपनी इंडिकेशन देते हैं बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर. मतलब एसिड में तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप बेस सॉल्यूशन में डालते हो तो इनकी ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाती है. तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो बेस है, है ना. जैसे वेनिला में वेनिला का एसेंस, वेनिला स्मेल रहेगा एसिड के अंदर, लेकिन जब आप उसको बेस में डालोगे तो जो उसका स्मेल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक है. तो इस तरह से हम इंडिकेटर की हेल्प से बता सकते हैं कि नेचर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है.
ऐसे तीन टाइप के इंडिकेटर हमने डिस्कस किए, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट टुडे एंड गेट रिवॉर्डिंग स्कॉलरशिप।